और आई एम सो लेट। मैं बीबी नाश्ते में क्या लेंगी? मैं भी नाश्ता नहीं कर सकती, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। आज तो हम जल्दी जा रही हैं, कैसे लेट हो गई हैं? तुम्हें अंदाजा भी है बाहर कितना ट्रैफिक होता है? वो तो रोज होता है, आज को नई बात है। क्यों बहस कर रही हो मुझसे? कह रही हूँ ना लेट हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, जूस पी लें फिर। माया बेटा आराम से नाश्ता करके जाओ ना। मॉम मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बाय। अच्छा जूस तो पी रानी, कहाँ है ना नहीं पीना, थोड़ा सा तो पी ले। मैं नहीं पी सकती रानी, प्लीज पीछे नहीं पड़ा करो। कुल जल्दी माया जी, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं और बाबा नमाज पढ़ के वापस लौटे तो आप लोग चले गए थे। मुझे तो यही फिक्र लग गई कहीं नाराज ना हो गए हो। अरे बेटा हम क्यों तुमसे नाराज होने लगे भला? खाला थोड़ी देर रुक जाती हैं आप, खालू को कहाँ बार बार वक्त मिलता है, इतने मसरूफ होते हैं। सारा दिन दुकान पे बैठते हैं, कमर जवाब दी जाती है हमारी, इसलिए ज्यादा देर रुके नहीं हम लोग। खालू एक काम कीजिए ना, इस इतवार को घर आ जाए, साथ में खाना खाते हैं। बशर्त ये खाना तुम बनाओगे। आशी इंसान बनो। क्यों सिर्फ बातें बना सकता है? आने का वादा कीजिए, ये शर्त भी पूरी कर दूं। मैं तो नहीं आ सकता, फिर कभी सही। चलें जैसे आपको मुनासिब लगे। अच्छा इजाजत दीजिए। अरे बेटा नाश्ता तो करके जाओ। जज़ाकअल्लाह खाला, मैं नाश्ता करके निकला। अल्लाह हाफिज खाली। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी आपा ने भेजा होगा इसे, अंदाजा हो गया उन्हें कितनी तकलीफ पहुंची है मुझे उनके रवैये से। इतना तैयार हो के यूनिवर्सिटी क्यों जाते हो? कहाँ तैयार हुआ हूँ, सिर्फ वेस्टकोट पहनी हुई है। कहती हो तो उतार देता हूँ। नहीं नहीं इसी की वजह से तो उस्ताद उस्ताद दिखते हैं। अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो कि अगर मैं वेस्टकोट उतार दूंगा तो टीचर नहीं लगूंगा? एक बात पूछू, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम कोई ऐसी बात कर सकती हो जो मुझे बुरी लगे? तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, कोलीग्स भी और स्टूडेंट्स भी। हाँ हैं। तो तुम्हारी तरफ कोई ज्यादा तवज्जो दे तो डांट देना उसे। क्यों? बहुत मासूम हो तुम मोमिन,
तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़कों को देख के लड़कियां क्या क्या सोचती हैं तुम जानते भी नहीं हो। एक मशवरा दूं तुम्हें, तुम मेरे साथ ना यूनिवर्सिटी चला कर, कोई लड़की जो मुझे बुरी नजर से देखे उसकी आंखें निकाल ले। मेरे बस में तो मैं यही करूं। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे बस में नहीं है ये सब। अब जाऊं, बाय, खुदा हाफिज। सुनो। हाँ? थैंक यू हैंडसम कहने के लिए, आज का दिन अच्छा गुजरे। बाय, खुदा हाफिज। हाय सर। हाय। आज मैं आपसे पहले आ गई। वो आपने कहा था ना कि आप कैफेटेरिया नहीं आएंगे लेक्चर देने के लिए, सो आई थॉट मे बी आई शुडंट टेक अ रिस्क। मेरे ग्रुप में कोई भी नहीं आया है, आई एम द फर्स्ट वन। ऐसा कभी भी नहीं हुआ पहले। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं? आप अगर यूनिवर्सिटी पहली दफा वक्त पर आई हैं तो इसमें अप्रिसिएशन नहीं शर्म वाली बात है। यूनिवर्सिटी है, पढ़ने आते हैं आपके, वक्त पर आए, फायदा होगा आपको। क्या हुआ, फिर से डांट पड़ी क्या तुम्हें आज? नहीं यार, इस बंदे में कुछ खास बात है यार। खास बात? माया को उसकी बातों पे गुस्सा नहीं आता। मतलब कि मुझे लगता है वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मुझसे पूरा दिन बात करते हैं। ये शौक तो उनका लेक्चर सुन के पूरा हो सकता है। चलो तुम्हारा शौक पूरा करें। स्विमिंग के लेक्चर्स कितने अच्छे होते हैं, हर बात जहन नशीन हो जाती है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ यार, सारी बातें सीधा दिल में उतर जाती। मैं लेक्चर्स की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं सर मोमिन की बात कर रही हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? अच्छा दोस्त वो नहीं होता जिससे कहो चलो तो पूछे कहाँ। अच्छा दोस्त वो होता है जिससे कहो चलो तो बस वो चल पड़े। चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाय। वो एक्चुअली पूरी क्लास को आपसे बात करनी थी, बट बिकॉज आई एम द सीआर आई थॉट मैं खुद आके आपसे बात करूं। फरमाइए। वो जब भी हमारी क्लास में कोई नया टीचर आता है तो हम उनके लिए पार्टी थ्रो करते हैं, एंड बिकॉज इट्स योर फर्स्ट जॉब तो आपके लिए तो पार्टी बनती है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सर, मना करने की गुंजाइश नहीं है, इसमें हमारी पूरी क्लास की बहुत खुशी है। प्लीज। मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। सर, अच्छा ट्रेडिशन है, डोंट यू थिंक कंटिन्यू करना चाहिए? सर आ जाए ना प्लीज। सर कैफेटेरिया में ही पार्टी होगी और आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। इनफैक्ट हम और टीचर्स को भी इनवाइट करेंगे। प्लीज सर। ओके, सी यू टुमारो। बाय। तापस। हेड गॉड, एक बात बता, तू इनवाइटेड नहीं है? कहाँ? माया सर मोमेंट के लिए पार्टी थ्रो करी। कब? आज लेक्चर्स के बाद, तुझे नहीं बताया? माया किसी को मुंह नहीं लगाती, मोमिन कहाँ से आ गया? Well, I think some woman is in luck.
आराम से आराम से। इसको उठाओ 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 उठाओ, ले जाओ उसको। माया, हे, ये क्या बकवास? What's wrong with you? Behave yourself. तुम उस मोमेंट के लिए पार्टी थ्रो कर रही हो? वो एक्चुअली सिर्फ क्लास फेलोज के लिए है, इसलिए तुम्हें इनवाइट नहीं किया। कोई तुम्हें अंदाजा है कि लोग इस पार्टी को क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? तुम उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रही हो? कोई किसी को इंपॉर्टेंस क्यों देता है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। What do you mean? I like him. मुझे वो अच्छे लगने लगते हैं। दो दिन उसको, दो दिन हुए यूनिवर्सिटी आए हुए और तुम्हें वो पसंद ही आ गया है। Are you a fool? You need to shut up. जो चाहने के काबिल होते हैं ना, उन्हें चाहने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है। अस्सलाम वालेकुम सुहेर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। आप सुनाइए। करम करम। आपकी क्लास ने आज इनवाइट किया है और कुछ मसरूफियत के बिना पर मैं आ नहीं सकूंगा, तो सोचा कि एडवांस में आपसे सॉरी कर लूं। नहीं नहीं, ओके। स्टूडेंट्स ने जिद इतनी ज्यादा की, मुझे भी कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। अरे आजकल कहाँ अहमियत देते हैं स्टूडेंट्स किसी को, लकी हैं आप। नहीं, इन सब ने तो मुझे बताया कि कोई ट्रेडिशन है यूनिवर्सिटी का। ट्रेडिशन? हमें तो एक पार्टी नहीं दी आज तक किसी ने, बल्कि इतने सालों में मैंने किसी को वेलकम भी नहीं करते हुए देखा। Excuse me, sir. आपसे बात करनी। चले मोमिन, मैं चलता हूं। एंजॉय योर पार्टी। फरमाइए। बहुत तारीफ सुनी है, सोचा मिल भी लूं। आप किस डिपार्टमेंट से? फिलहाल तो हम सेम डिपार्टमेंट से हैं सर। आप बगैर पढ़े ही इश्क के इम्तिहान में पास हो गए और मैं अंथक मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। समझ जाएं सर, समझ जाएं। आप उस्ताद हैं, बड़ा मकाम है आपका, वहां से नीचे गिरे हो जाएगी। देखिए, तमीज से बात कीजिए आप। तमीज? आप तमीज की बात करेंगे? एक ऐसा टीचर जो अपनी क्लास की सबसे अमीर और खूबसूरत स्टूडेंट को हंसाने चला है, वो मुझसे तमीज की बात करेगा?
लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं आप। जब लिमिट्स क्रॉस होती हैं तो कैसा फील होता है पता चला। खैर आप माया की पार्टी पे जा रहे हैं, अगर आप वहां गए तो जो आपकी रिस्पेक्ट है उसको आप इंजॉय नहीं कर सकते। Have a good day, sir. यार माया आज कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही। शुक्र करो गौरिया नहीं है, वरना माया की ये खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होनी। माया ने गौर को इनवाइट नहीं किया। नहीं यार, सिर्फ क्लास फेलोज ही इनवाइट। इसका दीवाना किधर है? अपनी हसरतों पे आंसू बहा रहा होगा कहीं। मतलब? मतलब ये कि इसकी जगह तो सर मोमिन ने ले ली। देर नहीं हो गई सर मोमिन को? देर हो गई। अरे माया, सर मोमिन तो चले गए। चले गए कहाँ? मैंने देखा खुद वो बाइक स्टार्ट करके जा रहे थे। What? ऐसा कैसे हो सकता है यार? Let me call him. Well, तो जा रही है। ये भी तो हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई हो। लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए था ना एटलीस्ट। माया तुम अपना मूड ठीक करो, हो सकता है कि वो भी आ जाएंगे, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। यार एक मिनट रुक जाओ, लेट मी जस्ट कॉल हिम। लगता है माया सर मोमिन को तुम्हारा इनविटेशन अपने मिजाज के मुताबिक नहीं लगा। मुझे लगता है माया की खुशी को गौहर की नजर लग गई। हेलो जी, कौन? सर मोमिन, मैं माया एहसान बात कर रही हूँ। यू वर सपोज टू कम। मैं नहीं आ रहा, और आइंदा कॉल मत कीजिएगा। एक मशवरा दूं तुम्हें, तो मेरे साथ में यूनिवर्सिटी चलाकर कोई लड़की जो मुझे बुरी नजर से देखे उसकी आंखें निकाल लेना। आशी, मैं तुम्हें बाहर आवाज नहीं दे रही हूं, तुम यहां बैठी हुई हो। सॉरी अम्मी, आवाज ही नहीं आई। जब बेटी के दिल से उड़ते हुए तूफानों के सामने माँ की आवाज दब जाए तो माँ को बेटी की रुखसती की फिक्र करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर क्या बात है? कुछ नहीं, आप बताएं क्यों आवाज दे रही थी। भाई मेरा दिल चाह रहा था कि मेरी बेटी मेरे पास आके बैठे, कुछ अपने दिल की बातें करे, कुछ मेरी सुने। क्या है आपके दिल में? वही जो तुम्हारे दिल में। हमीम, बाबा मोमिन कितने खिलाफ क्यों है? अरे खिलाफ नहीं है, हमेशा मोमिन की तारीफ करते। आपका दिल रख, मोमिन हमारे खानदान का चांद है, रोशन जगमगाता चांद। उसके नूर से तो किसी को इनकार ही नहीं हो सकता। बाबा जब भी खाला के घर जाते हैं हमेशा गुस्से होके उठ के आ जाते हैं। बस छोटी छोटी बातें महसूस कर लेते हैं। उन्हें आज तक इस बात का दुख है कि उन्होंने फरी के लिए तुम्हारे ताया के बेटे वसीम का रिश्ता दिया, शहजाद भाई ने इनकार कर दिया। बस वही बात आज तक दिल में रखे बैठे। वसीम भाई की तो शादी हो चुकी है, बाबा क्यों अभी तक गुस्सा है? ठीक हो जाएंगे, जब आपा तुम्हारे लिए मोमिन का रिश्ता लाएंगी ना तो सारी बदगुमानियां नाराजियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। किस बात का? कहीं बाबा इनकार ही ना कर दे। हो ही नहीं सकता, मोमिन जैसा होनहार लड़का हमारे पूरे खानदान में नहीं है।
और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला ने मोमिन को भेजा ही मेरी बेटी के लिए, तो कोई कैसे इन दोनों को दूर कर सकता है? मैं नहीं आ रहा और आइंदा कॉल मत कीजिएगा। बेगम साहिबा बुला रही हैं आपको, उनसे कहो मुझे डिस्टर्ब मत करें, जाओ। आपके लिए बहुत परेशान है। तो एक काम करो, जाके दो तीन जोक सुना दो, उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। जाओ। अगर आप इजाजत दें तो आपको भी सुना दूं, ताकि आपकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। रानी जाओ। ओके ओके जा रही हूं। बाजी मैंने आपसे कहा था ना कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। कुछ कहा है उसने? कह रही थी कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर। वैसे कभी कभी तो बहुत अजीब और गरीब बात करती हैं। कोई ना कोई मसला जरूर है उनके साथ। अपनी माँ को बताने में क्या हर्ज है? तुम उसे मशवरे कम दिया करो। ज्यादा मशवरे नहीं, मैंने तो एक ही मशवरा दिया, वो मशवरा आपके लिए भी है और माया बाजी के लिए भी। लेकिन आप लोग मेरी सुनते ही कहाँ है? आप दोनों अपनी परेशानी एक दूसरे से क्यों नहीं बांटते? आप लोगों की मर्जी है, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। रानी कुछ परेशानियां बांटने से बढ़ जाती हैं। बाजी वो गौर साहब हैं। हाँ बुलाओ उन्हें। बेहतर। चलो इस बहाने माया बाजी का मूड अच्छा हो जाएगा गौर भाई के आने से। अल्लाह करे। हेलो आंटी। हेलो बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो। क्या हुआ, कोई नाराजगी चल रही है तुम दोनों में? मैं कहां माया से नाराज होता हूं। हाँ तुम तो नाराज नहीं हो सकते, although I'm not sure about her। हाँ मैं उसे कॉल करता हूं, उठा नहीं रही। अच्छा तुम बैठो, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। रानी इसे अच्छा सा बनाना शेक बुला दो। अभी लाई बाजी। गौर आया। चिप स्टूपिड आदमी है, जब मैं उसकी कॉल्स नहीं उठा रही तो घर क्यों आ गया है? जिसकी कॉल ना रिसीव की जाए और वो फिर भी घर आ जाए उसको स्टूपिड नहीं कहते, हमदर्द कहते हैं। चलो उठो, वो वेट कर रहा है। चलो हाय। तुम फोन नहीं उठाती? जब कोई आपका फोन ना उठाए ना और आप उसके घर पहुंच जाए उसे डिटाई कहते हैं। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी बातों का बिल्कुल माइंड नहीं करता। मोहब्बत इंसान से कुछ और करवाए ना करवाए ढीठ जरूर बना देती। यकीनन रिपोर्ट तो मिल गई होगी तुम्हें। कौन सी रिपोर्ट? I'm not a fool, Gohar. अरे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम पार्टी से होकर आई हो, मूड अच्छा होगा, मैं तो तुम्हारा खुशगवार मूड देखने आया था। ऐसा क्या हुआ पार्टी पे? बहुत लिस्ट, 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 लिस्ट। I'm sorry. I overreacted in the morning.
सर मोमिन तुम्हारे टीचर हैं, सबके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और कुछ? हाँ आओ बाहर चलते। मेरा मूड नहीं है गौहर। इसलिए तो कह रहा हूं बाहर चलोगी तो मूड भी अच्छा हो जाएगा। और अच्छे दोस्तों की कदर करते हैं, उनको इनकार नहीं करते। सर मोमिन के बारे में एक लफ्ज नहीं बोल रहे। वो कौन? बैग लेके आ। मोमिन बेटा याद रखना, रात में फरी के ससुराल वाले आ रहे हैं। जी जी अम्मा याद है मुझे, बल्कि अब्बा से भी पूछ लीजिए, अगर कुछ लाना है तो मैं लेता हूँ। पूछ लिए, वो कह रहे हैं बेटा सब हो जाएगा। अब्बा जान बूझ कर मुझ पे कोई बोझ नहीं डालते ना। अरे जब तक बाप कर रहा है कर रहे, तो बाद में सारा बोझ तो तुमने उठाना ना। क्या मतलब? कहीं जा रहे हैं आप? बरखुदार एक न एक दिन तो वहाँ जाना है ना। और मुझे तसल्ली यह है कि मेरा बेटा मेरे पीछे मेरे लिए सबका जारी बना रहे। आप शहजाद साहब तबीयत ठीक है इनकी? हाँ ठीक है तबीयत, बस हमारी मोहब्बतें बटोरने के लिए ना तंग कर रहे हैं। अब्बा मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ, डांटने का हक सिर्फ हमारी अम्मा को। मत किया करें ना आप भी ऐसी बातें। चलें इजाजत दीजिए और ख्याल रखें अपना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप सुबह सुबह किसे फोन करने लगे? जमील और आंसा को फोन कर रहा हूँ, ये ना कहे कि हमें पूछा ही। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है ना? जी खैरियत है, आप बताइए कैसे याद किया? वो शाम को फरीक ससुराल वाले तारीख तय करने के लिए आ रहे। मैं सोचा था कि अगर आप लोग भी आ जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। शहजाद भाई आपने हमें याद रखा, बड़ा अच्छा लगा हमें। लेकिन ऐसा है कि शाम को दुकान बंद करके आना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यूं भी रिश्ता हमारी मर्जी के बगैर हो गया है, तो तारीख भी हमारे बगैर ही रख लें। खुदा हाफिज। मैं तो पहले ही नहीं चाहती थी कि आप फोन करें, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं आएंगे। हमने अपना फर्ज पूरा करना था, कर दिया। आगे उनकी मर्जी है, वो आए ना आए। पता नहीं जमील भाई के अंदर कौन सा बोझ है। ये तो आंसा ही है जिसने सारी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ गुजार दी। भाई सुबह सुबह विनत करके तुम अपना अमाल नामा क्यों खराब कर लियो? अल्लाह उसको हिदायत दे। चाय लेकर आ। चाय ले। I need to speak to you. मुझे बात करनी है अभी आपसे। इस तरह रास्ते में बातें करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो किसी का इनवाइट एक्सेप्ट करके एन वक्त पे ना आना, ये आपको मुनासिब लगता है? मैं समझा था कि पूरी क्लास की तरफ से इनविटेशन है, नहीं जानता था आपका पर्सनल इनविटेशन है वो। मेरे पर्सनल इनविटेशन से क्या प्रॉब्लम है आपको? शर्म आनी चाहिए आपको, झूठ पे झूठ बोले जा रही है और कह रही है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने सबके सामने मेरी इंसल्ट करवाई है। जी क्योंकि आप इसी काबिल। मैं इस काबिल नहीं हूँ और मुझे इस तरह के एटीट्यूड की आदत भी नहीं है। Is everything okay, Maya? मैं समझा था कि पूरी क्लास की तरफ से इनविटेशन है, नहीं जानता था आपका पर्सनल इनविटेशन है।
मेरे पर्सनल इनविटेशन से क्या प्रॉब्लम है आपको? शर्म आनी चाहिए आपको, झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं और कह रही हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। सामिया, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, आई एम सॉरी। नहीं, अगर कुछ मसला है तो आप चली जाएं बाहर। नो सर, आई एम फाइन, सॉरी। सिट डाउन। थैंक यू। शर्मिंदा, मुझे आपको झूठ बोल के इनवाइट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप शर्मिंदा हैं तो मुंह से कह देना काफी था, इसकी जरूरत नहीं। अगर मैं जबान खोलती ना तो मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता। मसला वही जो यूनिवर्सिटी के सारे लड़के सुनना चाहते हैं। मैं आपको पसंद करने लगी। होश में तो हैं आप? इस तरह से आर यू सीरियस? तुमने सर मोमिन से सब साफ साफ कह दिया? हाँ, मैंने तो सब साफ साफ कह दिया और उन्होंने सुन लिया। स्पोर्ट्स यार, दोनों काम चलते हैं उनके, सुन लिया उन्होंने। मेरा मतलब है तुमने कह दिया, उन्होंने सुन लिया और तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं तो रुकी ही नहीं यार वहाँ, मैंने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं। इनफैक्ट मैं फौरन भाग के आ गई। तुम्हें उनके एक्सप्रेशन तो देखने चाहिए थे ना। अच्छी तरह से अंदाजा है क्या एक्सप्रेशन होंगे। तुम भी अजीब हो, वहां से तो ऐसे भाग के आ गई जैसे तो आई, उन्होंने जान निकाल देनी थी। यार जान ही तो निकाल देते हैं, बस एक बार देखते हैं और जान निकल जाती है। तुम्हें उनसे वाकई मोहब्बत हो गई है ना? अगर मोहब्बत हर वक्त किसी के सोचने का नाम है या फिर किसी का गुस्सा या डांट बर्दाश्त करने का नाम है तो हाँ, हो गई है माया को मोहब्बत। तो फिर तो तुम्हें उनका जवाब सुन लेना चाहिए था। दे देंगे जवाब, बेचारे पहले शौक से तो निकल आए। तुम्हें क्या लगता है वैसे, वो जवाब दे देंगे? सोच लो, कहीं जवाब ही ना दे दें। ऐसा हो नहीं सकता,
कि माया एहसान किसी की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाए और वो रद्द कर दे। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई जीना भी चाहता हो और सांस लेने से डरे। वाओ वाओ, बेस्ट ऑफ लक माया। थैंक यू। स्टिल कांट बिलीव यू। मन यारम मन जानम।